महामहिम श्री श्री जिनपिंग, एक्सलेंसीज, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पिछले एक वर्ष में इस संगठन की भूमिका को भलीभांति समझने और उसमें योगदान के अवसर को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एससीओ का भौगोलिक क्षेत्र हजारों साल से पूरी दुनिया के लिए भौतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रेरणा स्रोत रहा है। बुद्ध और कन्फ्यूशियस, सम्राट अशोक तथा तांगवंश, समरकंद व बुखारा, नालंदा एवं तक्षशिला, सुवानस्तांग तथा कश्यप मातंग, अल बरूनी और आर्यभट्ट, महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय, रूमी तथा कालिदास, इस क्षेत्र की ऐसी अनगिनत विभूतियां हैं, पूरी मानवता को गंगा और वोल्गा की तरह सींचा है। हमारी साझा विरासत के इन फूलों की खुशबू हर जगह फैल सकी, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने भौगोलिक बाधाओं को संपर्क और सहयोग के सेतु से पार दिया। आज हम फिर एक ऐसे मुकाम पर है जहां भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी भूगोल की परिभाषा बदल रही है। इसलिए विशेषकर एससीओ क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है। हम ऐसे नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं जो समावेशी, सस्टेनेबल और पारदर्शी हो और जो देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट का विकास और असगाबाद एग्रीमेंट जैसे विशिष्ट प्रोजेक्ट्स में हमारी सक्रिय सहभागिता में दिखाई देती है। हमारे क्षेत्र का इतिहास गवाह है कि कनेक्टिविटी का अर्थ सिर्फ भौतिक संपर्क नहीं होता, उसको मानवीय पक्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पीपल टू पीपल संबंध और विचारों का आदान प्रदान भी हमारी उतनी ही प्राथमिकता होनी चाहिए। अतः एससीओ और कॉमन होम तथा डेज ऑफ ओपन डोर्स जैसी पहलों का हम स्वागत करते हैं। परस्पर बेहतर संपत्ति के लिए चीन की अध्यक्षता में शुरू किए गए एससीओ फिल्म फेस्टिवल और एससीओ वर्ल्ड हेरिटेज एग्जीबिशन भी सराहनीय प्रयास है। भारत में विदेशी यात्रियों का केवल 6% एससीओ देशों से आता है। इसको आसानी से दोगुना किया जा सकता है। हमारी साझा और संपन्न सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता एससीओ देशों और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है। अतः हम एक एससीओ फूड फेस्टिवल और साझा बुद्धिस्ट हेरिटेज की प्रदर्शनी का भारत में आयोजन करेंगे। भारत अपने विदेशी संबंधों में भी विकास के लिए सहयोग को प्राथमिकता देता रहा है। स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सहयोग पर हमारा विशेष फोकस है। अतः एससीओ देशों, खासकर मध्य एशिया के देशों के साथ द्विपक्षीय तथा एससीओ फ्रेमवर्क में इन क्षेत्रों में सहयोग करने में हमें बेहद खुशी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग, अच्छी, प्रभावी और सस्ती दवाओं, मेडिकल सुविधाओं,
मेडिकोर और वेलनेस टूरिज्म में भारत की क्षमता से लाभ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैनेजमेंट, स्पेस एप्लीकेशंस जैसे रिसोर्स मैपिंग, नैनो सैटेलाइट्स बनाना और उन्हें इंडियन स्पेस व्हीकल के माध्यम से छोड़ना और इसके लिए एससीओ देशों के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ सहयोग, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग में एससीओ कंट्रीज के कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा उन्नत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल तथा क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एवं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क में सहयोग। एक्सलेंसीज, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय को संक्षेप में स्पर्श करना चाहूंगा। अफगानिस्तान की स्थिति हमारे साझा क्षेत्र में अतिवाद और आतंकवाद के कुपरिणामों का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति गनी ने जिस भावना से शांति के लिए एक बार फिर से साहसिक कदम उठाए हैं, उस भावना का सम्मान सभी पक्ष करेंगे। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि विगत में जिन कारणों से अफगानिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विविधता और लोकतंत्र पर आंच आई है, उन्हें न दोहराया जाए। एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के लिए कॉन्टैक्ट ग्रुप में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। एक्सलेंसीज, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है। समग्र रूप से हमारे क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए मेरे विचार से 6 महत्वपूर्ण आयाम है। इनका संक्षिप्त रूप अंग्रेजी का शब्द सिक्योर यानी SECURE होता है। S से मेरा मतलब है सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, E से मेरा मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, C से कनेक्टिंग द रीजन, U से यूनाइटेड आवर पीपल, R से रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, E से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मैं मानता हूं कि इन दिशाओं में सार्थक सहयोग से ही हमारा एससीओ सही मायनों में सेफ एंड कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बन सकेगा। एक्सलेंसी, मैं आगामी वर्ष में किर्गिस्तान को एससीओ की चेयरमैनशिप के लिए बधाई देता हूं, साथ ही पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन देता हूं। यह हमारी 18th समिट है। मैं आग्रह करूंगा कि 25th एससीओ समिट, सिल्वर जुबिली जब हम मनाएंगे, तो हम अभी से मिलकर के कोई लक्ष्य तय करें और 25th समिट सिल्वर जुबिली के तक कुछ गोल हम अचीव करने का निर्णय करें, एक छोटी कमिटी बनकर के एक रोड मैप बनाए। तो मैं समझता हूं कि एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के तहत हमें नई सफलताओं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मैं हमारे मेजबान प्रेसिडेंट शी को इस बैठक के सफल सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक्सलेंसीज, रमजान के पवित्र महीने और आने वाली ईद के लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस संदर्भ में मैं हमारे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सद्भाव की भी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।